वेलकम बैक टू माय चैनल गोलगप्पा गर्ल। आई एम पूजा और मैं हूँ थाने में। तो एक्चुअली नवीन और मैं बॉम्बे साइड गए थे एंड वाइल रिटर्निंग हमने ऐसे स्पॉन्टेनियस प्लान बनाया कि हम ये प्लेस पे डिनर करेंगे। दिस प्लेस इज़ कॉल्ड लॉर्ड ऑफ बारबेक्यू इन थाने। ये ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के इधर ही आता है सर्विस रोड पर। एंड वी वर सो हंग्री एंड वी डिसाइडेड चलो लेट्स रिकॉर्ड आवर एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग बुफे हियर। सो दिस प्लेस अपेरेंटली इज़ पॉपुलर फॉर बारबेक्यू और यहाँ के लोकल्स जो हैं थाने के लोकल्स दे लव द बुफे हियर। सो वी थॉट आज हम यहाँ पर डिनर करेंगे एंड आई एम गोइंग टू टेक यू अलॉन्ग विथ मी। छोटी सी जगह है, बहुत लिमिटेड टेबल्स हैं, सो इट्स क्वाइट एडवाइजेबल कि आप एक टेबल रिजर्व करो। दैट्स व्हाट वी डिड 2 hours बैक। लेट्स गो, आई एम वेरी हंग्री। हम लोग अभी अंदर आ गए हैं एंड वी आर सीटेड। गाइज इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल नॉइजी बिकॉज इट्स पैक्ड, सो आई एम गोइंग टू ट्राई टू टॉक एज लाउडली एज आई कैन। बट पता है बुफे प्लेसेस पे जाओ ना, स्पेशली ऐसे जहाँ पे बारबेक्यू बुफे प्लेसेस होती हैं, वन थिंग इज एज सून एज यू एंटर क्या खुशबू आती है, एकदम ऐसे स्मोकी मीठी बारबेक्यू की बहुत अच्छी खुशबू आती है। वी आर सीटेड, हम लोग वेट कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे बारबेक्यू ग्रिल सेटअप होगा एंड देन आई एम गोइंग टू शो यू। वैसे यहाँ पर ना टेबल पर ऑलरेडी मेन्यू रखा हुआ है। लेट मी क्विकली शो यू यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस दिख रहे हैं। सो वी हैव 2 chutneys हियर। वन इज़ अ ग्रीन चटनी एंड आई डोंट नो विच वन इज़ दिस, बाद में टेस्ट करेंगे, बट पहले हम ये मेन्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पे सब लिखा हुआ है कौन से स्टार्टर्स टेबल पर मिलेंगे एंड हियर वी हैव मेन कोर्स एंड dessert options as well. So here's everything you can order. So let's start. सबसे पहले हम starters खाएंगे, फिर मैं आपको light section दिखाऊंगी, फिर main course and then finally desserts. Let's eat. So चलिए starters से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आ गए हैं non-veg starters. Let me show you. So ये है मुर्ग हजारी which is a chicken tikka preparation. यहाँ पर है dhaniari mahi which is fish and here I have some chili garlic prawns. So I am going to try this chicken first. Let's take it on our plate. एकदम smoky hot chicken. यहाँ पर अमृतसरी तंगड़ी भी आ गई है and this is mutton kebab. Here we have some mutton kebab also. सबसे पहले मैं थोड़ी ये चटनी ले लेती हूँ. Let's try some chicken. Let's take the first bite. अमेजिंग फ्लेवर्स ऑफ चिकन। चिकन में इतना सारा ऑयल डाला हुआ है। द चिकन इज़ वेरी टेंडर। जस्ट लुक एट दिस, नो एफर्ट इन ब्रेकिंग एट ऑल। ये चिकन एक्चुअली स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं है, बस थोड़ा ब्लैक पेपर डाला हुआ है। इट्स इनफैक्ट टैंगी और इसमें ना एक तंदूरी मसाला कैसे होता है, बहुत ऐसा तंदूरी टाइप टेस्ट है। अमचूर डाला हुआ है। ये चटनी भी पुदीने और धनिए की है। नथिंग इज स्पाइसी। वेरी टेंडर चिकन, एक अच्छा स्मोकी फ्लेवर भी आ रहा है। नाउ लेट्स ट्राई सम तंगड़ी। चिकन तंगड़ी अगेन नॉट स्पाइसी बट सुपर टेंडर। ये देखिए कितनी टेंडर है, नो एफर्ट इन ब्रेकिंग एट ऑल। इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज़ की गई है, इसका एक अच्छा सा स्वाद आ रहा है। देन आई कैन ऑल्सो टेस्ट सम लेमन। इट्स टैंगी, नथिंग इज स्पाइसी। अभी तक मैंने जो भी खाया है। सम मटन कबाब नाउ। मटन कबाब सुपर जूसी, बहुत पेक्यूलियर टेस्ट है गार्लिक का इसमें। वेरी यमी। आई थिंक मैंने अभी तक ये तीनों ट्राई किया और तीनों ही मुझे काफ़ी अच्छे लगे। माई मोस्ट फेवरेट हैज़ टू बी द तंगड़ी। तंगड़ी में थोड़े थोड़े ग्रीन चिलीज भी हैं वैसे, बट तंगड़ी, चिकन टिक्का एंड देन कबाब। वैसे मैं आज प्रॉन्स नहीं खा सकती क्योंकि रिसेंटली मुझे एलर्जी हुई थी प्रॉन्स से, सो आई एम स्टेइंग ऑफ सी फूड। बट नवीन खाएगा और वो बताएगा उसको प्रॉन्स कैसे लग रहे हैं। सो मैं ट्राई करूँगा प्रॉन्स क्योंकि शी इज़ एलर्जिक टू प्रॉन्स। जब भी हम जाते हैं बुफे के लिए प्रॉन्स मैं ही ख़त्म करता हूँ हमेशा। बटर ज़्यादा है बट काफ़ी अच्छे हैं। बटर के साथ गार्लिक का भी बहुत प्रोमिनेंट टेस्ट है, बहुत अच्छे हैं बटर गार्लिक प्रॉन्स। मैं तो फिर से रिपीट करूँगा ये। और मैं अपनी ड्रिंक पी रहा हूँ जो थोड़ी सी गिर गई, ये काफ़ी अच्छी है। इसका ऑरेंज का प्रॉपर टेस्ट आ रहा है, ऊपर से देखो ऑरेंज भी डाले हुए हैं, क्रश किया हुआ थोड़े पल्प भी आ रहा है उसका, लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत रिफ्रेशिंग है। वैसे हमने यहाँ पे ड्रिंक्स भी मंगा लिए हैं नवीन के लिए। देयर समथिंग कॉल्ड एज ऑरेंज मोइतो एंड आई एम गोइंग टू ट्राई स्पाइसी मैंगो। लेट्स टेस्ट दिस ऑल्सो, लुक्स वेरी फैंसी। यहाँ पे मुझे ऐसे जो भी स्पाइसी वर्ड है इसमें, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा स्पाइस दिख रहा है। लेट्स टेस्ट। वो दिखने में मुझे लग रहा था कि वाटरमेलन का कुछ होगा, बट इट्स एक्चुअली रियल स्पाइसी। इसमें थोड़ा ऐसा रेड चिली का टेस्ट आ रहा है। इट्स अ नाइस मॉकटेल। मैंगो सिरप डाला हुआ है इसमें एंड हल्का सा टैंगी भी है बिकॉज देयर इज सम लेमन एंड सोडा। टैंगी एंड स्पाइसी, इट्स वेरी स्पाइसी। नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव योर इज सम मोमोज। सो मैंने यहाँ पे 2 पीसेस ले लिए हैं। जब भी आप बुफे खाते हो आपकी प्लेट तो मेस लगती है। हियर आई हैव सम टमेटो गार्लिक चटनी। चलो लेट्स टेस्ट। ये चिकन मोमोज हैं। थोड़े से ठंडे हैं बट टेस्ट में एक्चुअली काफ़ी अच्छे हैं। एकदम ऐसा स्ट्रीट स्टाइल मोमो है। ये चटनी काफ़ी अच्छी है, नॉट स्पाइसी बट टमेटो का एकदम प्रोमिनेंट टेस्ट है। आई वुड हैव लव्ड अगर थोड़े और जूसी होते क्योंकि इसकी स्टफिंग एकदम कमाल की है। चिकन, अनियन एंड स्प्रिंग अनियन, वेरी नाइस। ये लेयर भी काफ़ी पतली है। थोड़े और मॉइस्ट होते बट नॉट बैड। लाइक बुफे में यूजुअली मोमोज ऐसा मेरे को इतने अच्छे नहीं लगते टेस्ट में। लाइक मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब रहा है बट इट्स यमी हियर। यहाँ पर हमारे वेज स्टार्टर्स भी आ गए हैं। चलो टूट पड़ते हैं इन पे भी। हियर वी हैव सम चिली गार्लिक मशरूम्स। हियर आई हैव सम हनी चिली भुट्टा विच इज़ कॉर्न। पनीर अचारी। ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं गाइज, अभी तक हम लाइव सेक्शन तक भी नहीं गए हैं। पाइनएप्पल, वैसे ऐसे स्पाइस्ड पाइनएप्पल बहुत कम लोगों को पसंद आता है। आपको पसंद है या नहीं मुझे कमेंट्स में बताओ। एंड फाइनली वी हैव सम पटेटोज़ हियर। हियर वी हैव सम केजन स्पाइस्ड पटेटो। यहाँ पे सारे वेजिटेरियन ऑप्शंस है। वी हैव सम दही के शोले, सम पनीर। ओके वी वर ईटिंग मशरूम, लेट्स ईट दैट। ओ वाओ, मशरूम इज़ अमेजिंग। इतने सॉफ्ट हो गए हैं बट एज अ वेरी नाइस स्मोकी फ्लेवर। सबसे बेस्ट बात इसमें ना चिली और गार्लिक दोनों का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। इट्स नॉट स्पाइसी बट गार्लिक का इतना अच्छा फ्लेवर आ रहा है, वेरी नाइस। मशरूम्स तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। हियर वी हैव सम पनीर अचारी टिक्का। तो ये दिखने में तो इतना क्रिस्पी नहीं लग रहा है, इनफैक्ट काफ़ी ऐसा सॉफ्ट लग रहा है। लेट्स टेस्ट दिस। आई थिंक पनीर और सॉफ्ट हो सकता था बिकॉज इट्स पनीर अचारी, इट्स वेरी टैंगी। एक पेक्यूलर वो जो अचार पिकल टाइप टेस्ट होता है वो इसमें है, बट थोड़ा और सॉफ्ट हो सकता था। आई लाइक द मशरूम मोर। पाइनएप्पल, वाओ, पाइनएप्पल इज सुपर स्वीट और बीच बीच में ऐसा लेमन और रेड चिली का टेस्ट आ रहा है, वेरी नाइस। यहाँ पर है दही के शोले विच इज़ लाइक अ फ्राइड ब्रेड रोल। अंदर काफ़ी क्रीमी है, बेल पेपर्स डाले हुए हैं और ऊपर से एक स्वीट चिली सॉस डाली हुई है। सो अंदर चिलीज, बेल पेपर और थोड़ा पनीर डाला हुआ है, वेरी क्रिस्पी। और ये स्वीट चिली सॉस, ये एक्चुअली थोड़ा शॉकिंग लगेगा बट मुझे यहाँ पे वेज स्टार्टर्स ज़्यादा अच्छे लगे कंपेयर टू नॉन वेज स्टार्टर्स। द वेज स्टार्टर्स हैव गुड फ्लेवर, मैनी ऑप्शंस। नॉन वेज में मुझे 3-4 ऑप्शंस ही दिखे, वेज में इतने सारे ऑप्शंस हैं। टेस्ट वाइज नॉन वेज वॉज ऑल्सो नॉट बैड बट यहाँ पे मुझे वेज ज़्यादा अच्छा लगा। हमारे पास यहाँ पर थोड़ी सोया चाप भी है, वो भी खाते हैं। ये देखिए, सो वी हैव सोया चाप इज़ वेल। अचारी सोया चाप है। अगेन जैसे पनीर का टेस्ट आ रहा है वैसा ही टेस्ट आ रहा है, एकदम पिकल लाइक। टैंगी है, क्रिस्पी बिल्कुल भी नहीं है। इट्स ओके, नॉट बैड। मुझे ना ये कॉर्न बहुत अच्छा लगा। स्वीट टैंगी स्पाइसी। ये एक और स्टार्टर है, बनाना ब्लास्ट। एकदम यूनिक, बनाना को एक बैटर पे डाल के ग्रिल किया है। ये देखिए, इट्स लाइक ग्रिल्ड बनाना, बहुत डिफरेंट है। ये बाहर से एकदम तंदूर का टेस्ट आ रहा है, एक तंदूर बैटर और अंदर स्वीट बनाना, वेरी डिफरेंट। मैं आलू समझ के खाई, मेरे को लगा ये तो स्वीट क्यों, फिर देखा बनाना है। चाट में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। मैंने पानी पूरी ट्राई की, इट वाज अमेजिंग। काफ़ी मीठी थी। यहाँ पे जो भी हम खा रहे हैं कुछ भी इतना तीखा नहीं है। क्रिस्पी कॉर्न भी हमने ट्राई किया, वेरी यमी। ओवरऑल स्टार्टर्स तो काफ़ी अच्छे थे। राइस सेक्शन में पिज्ज़ा और पास्ता भी है, एक बार आपको वो भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर सब अचार पड़ी हैं अलग अलग तरीके की। हियर वी हैव चिकन बिरयानी। यहाँ पर है फिश इन कुंग पाव सॉस एंड डेविल्स चिकन, दीज आर चाइनीज़ प्रिपरेशन। मटन रोगन जोश एंड बटर चिकन। हियर वी हैव सम सूप। यहाँ पे सरसों दा साग एंड मक्के दी रोटी। सम मोर चाइनीज़ ऑप्शंस। Here we have Indonesian noodles and yellow Thai curry, कड़ी पकोड़ा एंड पनीर मेथी। यहाँ पर थोड़ी और सब्ज़ियाँ हैं जैसे वेजिटेबल कोफ्ता और एक वेज मिक्स सब्ज़ी जिसमें पनीर मशरूम पीस दिख रहे हैं, कुरकुरे भिंडी एंड दाल एंड राइस। यहाँ पर है ब्रेड्स, फ्राइम्स, ये सब। ये सैलड सेक्शन है, लिमिटेड बट यू हैव ऑल द नेसेसरी सैलड ऑप्शंस। तो मैंने आपको दिखाया मेन कोर्स में क्या क्या ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वैसे स्टार्टर्स में इतना पेट भर गया कि मेन कोर्स के लिए हमने एक ही प्लेट लिया जो हम शेयर करने वाले हैं और एकदम स्टेपल ऑप्शंस लिए हैं हमने। लेट मी शो यू। सो यहाँ पर हमने ले लिए हैं नूडल्स, सम दाल राइस, सम बटर चिकन एंड सम भिंडी। यही हम मोस्टली लेते हैं व्हेनेवर वी हैव मेन कोर्स। नूडल्स से स्टार्ट करते हैं। गाइस ये प्लेस का बस ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है क्योंकि सब कुछ इतना कॉम्पैक्ट है, टेबल्स के बीच में इतनी स्पेस नहीं है, तो इट कैन गेट सुपर लाउड। नूडल्स आर नाइस। चिली सॉस और विनेगर ऐसा भरपूर डाला गया है। सम दाल राइस और कुछ लो नहीं लो, मेन कोर्स में सिर्फ दाल राइस लेना चाहिए। बटर चिकन इज़ स्वीट, कुछ ज़्यादा ही स्वीट है और इलायची का बहुत ज़्यादा ही स्वाद आ रहा है। ओके लगा मुझे। ओवरऑल मेन कोर्स इज़ डिसेंट। दाल राइस और नूडल्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे, ये मैं खाती हूँ। तब तक आप देखो डिज़र्ट में क्या क्या ऑप्शंस हैं। फाइनली लेट्स चेक आउट द डिज़र्ट सेक्शन। मैनी मैनी ऑप्शंस बोथ इन वेज एंड with eggs, so we have custard, cake pop, cheesecake, pan pastry, lots of options in cupcakes, rolls, brownie और नीचे fruits भी हैं। यहाँ पर थोड़े और dessert options हैं, we can see जलेबी गर्मा गर्म। Here we have more dessert options like गाजर का हलवा, अंगूरी गुलाब जामुन। We are going to end this video by having some desserts। बहुत सारे dessert options थे यहाँ पे and these are all I have got। I think मैं बाद में जलेबी भी खाने वाली हूँ but पहले हमारी plate इससे ही भर गई। Here I have some brownie, some Oreo Swiss roll, some butterscotch cupcake, caramel custard, mango cheesecake, pineapple pastry, बहुत कुछ है। some apple crumble pie। I am going to first have some brownie। वैसे आपको यहाँ पर आइसक्रीम और कुल्फी भी मिल जाती है। ओह वेरी स्वीट बट बहुत फजी है। अभी ओरियो स्विस रोल ट्राई करते हैं। यमी। वैसे इसमें ओरियो का इतना टेस्ट नहीं आ रहा। some caramel custard। कैरामल कस्टर्ड इज़ यमी। मैंगो चीज़ केक। एक एक करके मैं टेस्ट करती जा रही हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ मेरे को ओवरऑल डिज़र्ट्स कैसे लग रहे हैं। हल्का सा खट्टा है। गाइस मैं डिज़र्ट्स खा ही रही थी कि वहाँ पे इतना लाउड म्यूज़िक बज गया, तो मैंने सोचा मैं आपको नीचे आके ही बताती हूँ कि मुझे डिज़र्ट्स कैसे लगे और ओवरऑल बुफे भी कैसा लगा। So desserts were a mix. Some of the desserts were very yummy, but कुछ काफ़ी okay थे। Like cupcake was very dry, but brownie was very nice. So it was a mix. तो अगर मुझे rate करना हो, मुझे सबसे best starters लगे options wise and taste wise। Veg starters to be specific बहुत yummy थे। फिर मुझे desserts अच्छे लगे and last में main course। ओवरऑल मैं प्लेस को 8.5 दूंगी आउट ऑफ 10। आई थिंक एक ही चीज़ जो मुझे डिसअपॉइंटिंग लगी दैट इट वॉज वेरी लाउड, बट ये एक्चुअली रेस्टोरेंट का ड्रॉबैक नहीं है, इट वॉज द पीपल। फूड वाइज एवरीथिंग इज़ रियली गुड। 888 इज़ द बुफे कॉस्ट। मैं यहाँ पे आपको एक बार इनका रेट कार्ड भी दिखा दूंगी कि व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ द बुफे एंड एवरीथिंग एंड दैट्स इट। ये वीडियो एक्चुअली प्लान नहीं था, इट वॉज क्वाइट impromptu। अगर आपको ये देख के मज़ा आया हो प्लीज़ मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर फूड रिलेटेड वीडियोज़। Today's comment shout out goes to all these lovely people. Thank you so much for leaving a comment. अगर आपको चाहिए comment shout out, all you have to do is just leave a comment below. I'm gonna see you next time. Till then खाओ पियो खुश रहो, bye। वैसे अगर आप यहाँ पे आते हो और आपका बर्थडे है तो आपको फ्री केक भी मिल जाता है। Just a little information। गोलगप्पा गर्ल मैं हूँ। सॉरी कौन सा पाइनएप्पल है ये? बनारसी। यहाँ तो और लाउड हो गया, यहाँ तो मेरे कान बज रहे हैं, मेरा सर फट रहा है इतना लाउड। पाइनएप्पल वाओ।